सुबह तैबा में वो भी पटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में वो भी पटता है बाड़ा नूर का, सदका देने नूर का आया है तारा नूर का, सदका देने नूर का आया है तारा नूर का, अल्लाह 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 जो कता देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का, जो कता देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का, लिए जाता है थोड़ा दूर का, दूर की थोड़ा सरकार है क्या इसमें थोड़ा दूर का, अल्लाह 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 अल्लाह, मैं कहता तो बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं कहता तो बादशाह भर दे पियाला। अगर हुजूर से कुछ चाहिए, किसको किसको चाहिए, इंशाल्लाह सबको चाहिए तो बनना पड़ेगा फकीर, भिखारी बनना पड़ेगा, अपनी मैं अपनी अना को फना करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। अपने वक्त का इमाम जब हुजूर की बारगाह में आता है तो कहता है कि मैं कहता तो बादशाह पियाला नूर का, मैं कहता तो बादशाह का, मैं कहता तो बादशाह का, मैं कहता तो बादशाह, मैं कहता तो बादशाह भर दे पियाला, मैं कहता तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, आका नूर दिन तू ना तेरा देह डाल सरकार नूर का, अल्लाह 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 अल्लाह, हरियों का तोर था दिल चल रहा नूर का। इस्लाम के शुरुआती दौर में, इब्तदाई दौर में इबादत बंद कमरे में हुआ करती थी, लोग डर की वजह से इबादत बंद कमरे में क्या करते थे, तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद 39 थी। कितनी थी? 39 मुसलमान हो गए थे, 40वां होना बाकी था। उन 39 मुसलमानों में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन और उनके बहनोई ईमान ले आए थे। हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, हजरत उमर एक दिन आए अपनी बहन के घर, सुना बहन कुरान की तिलावत कर रही है, तो बहन को और बहनों की बहनोई को खूब मारा, खूब पीटा और निकाली खुली तलवार और कहा कि 39 हो गए 40वां नहीं होने दूंगा। गए मेरे आका की बारगाह में खुली तलवार लेकर, जैसे ही दरवाजा खोला ना, आका ने उमर को अपने दीदार से नवाजा, फिर उमर की दुनिया बदल गई, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार की फारूक आजम के कल्ब पर नजर करनी थी, फारूक आजम की दुनिया बदल गई। पी नसीरुद्दीन नसीर साहब कहते हैं ना, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है दिल की दुनिया को नजर से तहबाला करना। तो हजरत उमर के ईमान लाने के बाद फारूक आजम ने, हजरत उमर ने ये शहर मक्का में ऐलान किया कि आज से जो भी नमाज पढ़ी जाएगी वो खाना काबा में बाद जमात पढ़ी जाएगी, आज से जो भी इबादत होगी सरेआम होगी। तो हजरत उमर की ईमान लाने से सरकार बहुत खुश हुए, क्योंकि हजरत उमर पूरे शहर मक्का के शेर माने जाते थे, हर कोई इंसान उनसे डरता था, हर कोई इंसान उनसे कांपता था, इंसान तो इंसान शैतान डरता था।
इमाम कहते हैं कि नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल को जल रहा था, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, आई उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कले जानो इस शेर को इतना झूम झूम के पढ़े इसका हक अदा हो जाए कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा तेरी नस्ल पाक में बच्चा पुर का आका तू गए मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का, आदमी बन कर फिरिश्ता नूर का आ रहा है, आदमी बन कर फिरिश्ता नूर का, क्यों जमा हुए हैं, कोई मकसद? तो कहने वाले कहते हैं कि बस चस्का पड़ गया हुजूर का, हुजूर के जिक्र का चस्का पड़ गया है। चस्का समझते ना आप, लौ लग जाना, हुजूर के जिक्र से लौ लग गई है। तो हजरत जिब्रील को भी तो लौ लग गई थी ना सरकार के दीदार की, हजरत जिब्रील को भी चस्का पड़ गया था ना सरकार के दीदार का, एक दो मरतबा नहीं बल्कि 24,000 मरतबा है। सरकार के एक सहाबी थे हजरत दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े खूबसूरत बड़े हसीन साहबी थे। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को जब भी हाजत पेश आती ना सरकार की दीदार की, तो हजरत दहिया कलबी की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल इख्तियार करके आ जाया करते थे और दीदार कर लिया करते थे। अब मुझे बताया हजरत जिब्रील कौन? फरिश्तों के सरदार ना, बस फरिश्तों के सरदार नहीं बल्कि नूरी फरिश्तों के सरदार। लेकिन जब खैरुल बशर की बारगाह में आते तो बशर बन के आते हैं। तो इमाम कहते हैं कि आ रहा है आदमी बन कर फिरिश्ता नूर का, आ रहा है आदमी बन कर फिरिश्ता नूर का, आ रहा है आदमी बन कर फिरिश्ता नूर का, पड़ गया है ताइरे सिदरा को चस्का नूर का, अहमते नूरी कफ़े से नूर है। इस कलाम को कहा जाता है कसीदा नूर। क्या कहा जाता है? कसीदा नूर इस कलाम को कहा जाता है। कसीदा नूर सबसे पहले उससे कादरी में बदायूं शरीफ में पढ़ा गया, सन हिजरी 1317 में पढ़ा गया। आज से 120 साल कबल ये कलाम पढ़ा गया। तो जब ये कलाम पढ़ा गया तो स्टेज पर बड़े बड़े सादात किराम, उलमाए किराम, पीराने उजाम मौजूद थे, आला हजरत अशरफी मियां मौजूद थे, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी आला हजरत के पीरो मुर्शिद के पोते जो खुद दिल की शम्मा बने हुए थे, आप भी मौजूद थे और खुद आला हजरत मौजूद थे। उस वक्त बदायूं शरीफ के एक मशहूर नात खां थे हजरत हबीब कादरी साहब ने उस बज़्म में ये कलाम पढ़ा। फरमाते हैं कि सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू किया ये कलाम, सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू किया, महफिल पर ऐसी कैफियत तारी हो गई, लोग रोने लगे, महफिल नूर का समा बन गई, लोग गिड़गिड़ाने लगे, कलाम का एक एक शेर पांच पांच छह छह मरतबा पढ़वाने लगे। कलाम स्टार्ट कितने बजे हुआ था? 10 बजे ना, दोपहर 1 बजे तक चला, जोहर तक चला। और जब नाथ खान ने ये मक्ता पढ़ा
नाथ खान ने ये मक्ता पढ़ा तो आला हजरत अपने घुटनों के बल चलकर अपने पीरो मुर्शिद के पोते शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी के पास आए और हजरत की जानों पर सर रखकर खूब रोए और नाथ खान ये मक्ता पढ़ रहे थे। जरा तसव्वुर में लाए वो मंजर के ऐ रज़ागे अहमद नूरी का फैज़े नूर रज़ागे अहमद नूरी का फैज़े नूर हो गई मेरी गजल पढ़कर सुभान अल्लाह। बहुत